अब आएगी आवाज अब तक एक बार बता दीजिएगा श्रेया साउंड इज देयर नाउ प्लीज कंफर्म इफ साउंड इज देयर राइट आवाज आ रही है अब अब कर लेते हैं uh, शुरू है ना चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं मतलब क्वेश्चन uh, लाना शुरू कर लेते हैं और उस पर बात करते हैं ठीक क्वेश्चन जो है पढ़िए आप एक बारी और उसका आंसर करिएगा पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग है ना कि मतलब समूह में जो एक तरीके से हम बोले कि क्षमता समूह जो होते हैं और क्षमता के बारे में कौन सा कथन सही है गुड आफ्टरनून सभी लोगों को हाँ साउंड भी आ गया और क्लास भी आपकी आ गई है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाले क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी दोनों का ही इसमें समावेश है और ये जो अपकमिंग एग्जाम है आपका नेट का उसके पर्सपेक्टिव से है और साथ ही साथ जो एन वगैरह के बी एड वगैरह के बच्चे दे रहे हैं एग्जाम्स उनके लिए भी ये लाभदायक होगा तो ऐसा है कि ये मल्टीपर्पज एक तरीके से क्लास आप मान सकते हो इसको प्रैक्टिस को क्लास को, को और मोस्टली हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो उसके थ्रू ही हम बात करेंगे फर्स्ट का आंसर आप लोगों का आने लग रहा है बताइए सब लोग फटाफट कंचन प्रसाद जी निधि सचिन यादव श्रेया अग्रवाल क्या आंसर होगा इसका बेटा इसके आंसर्स बताइए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर क्या होगा क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है कि भाई कौन सा कथन है जो योग्यता और योग्यता समूह के बारे में सही है अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि बच्चे असहिष्णुता और मतभेदों को स्वीकार नहीं करते यानी कि बच्चे क्या करते हैं जो असहिष्णुता है इनटॉलरेंस है और जो एक तरीके से मतभेद है उसको स्वीकार नहीं करते या इसको ऐसे कह सकते हो कि मतलब दे आर इनटॉलरेंट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मतभेदों के लिए वो असहिष्णु होते हैं ये कहना चाह रहा है ठीक है तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसा हम नहीं मान सकते क्योंकि ये नेगेटिव परसेप्शन लेके जाता है बच्चों का और चाइल्ड सेंट्रिक क्लास में ये ठीक नहीं होता है तो फर्स्ट आंसर होगा नहीं सेकेंड देख लीजिए विभिन्न योग्यता समूहों की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं ये काफी हद तक ठीक होगा कि भाई अगर क्लास हम देख रहे हैं मल्टी लेवल है क्लास में अगर हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो है योग्यताएं अलग अलग हैं ऑब्वियसली क्योंकि सारे बच्चे डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो ऐसी स्थिति में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मल्टी लेवल टीचिंग को अपनाए जिससे कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को क्या करे पूरा करे तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप लोग बी दे रहे हो जो कि काफी करेक्ट आंसर है परफेक्ट आंसर है हम ऐसा मान सकते हैं बाकी तीसरा ऑप्शन सजातीय समूहों में छात्र बेहतर सीखते हैं कहना गलत होगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे कब सीखेंगे जब वो विजातीय समूहों में रहेंगे में नहीं नहीं रह के बल्कि सॉरी होमोजिनस में न के हेट्रोजिनस ग्रुप्स में रहेंगे तो उनको अलग अलग एबिलिटीज से इंट्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाता है और चौथा पॉइंट होता है कि फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड भी होमोजिनस वही बात दोबारा दूसरे तरीके से कह रहा है तीसरे पॉइंट को ही दूसरे तरीके से चौथे तो पॉइंट में कहा गया है कि भाई ज्यादा बढ़िया सीखना है तो आपको क्लास को सजाती है रखना पड़ेगा मतलब सब एक जैसे ही बच्चे होने चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है इंक्लूसिव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है और बच्चे अलग अलग क्षमता के होते हैं और जितना ज्यादा अलग अलग क्षमता के बच्चे होंगे उतना बेहतर उनकी लर्निंग होगी ऐसा भी माना जाएगा क्यों क्योंकि उसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होगी क्या होगा कि उनको एक ही मुद्दे पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से पहलू अवगत होने का मौका मिलेगा तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट था आंसर क्या था इसका पहले पहले क्वेश्चन का था अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा इसका बी अब सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूँ आप बताइएगा कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा गुड आफ्टरनून टिप्पल ठीक है ना नेहा सिंह सब लोग कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो उस उसपे हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपके आंसर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे पद्मिनी जी आ, आ, पार्टिसिपेट करो आप भी है ना सो बेसिकली अपकमिंग जो नेट का एग्जाम है जो आपका नवोदय विद्यालय पीजीटी का एग्जाम है टीचिंग एप्टीट्यूड का बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं तो सब में देखो टीचिंग एप्टीट्यूड और अलग अलग नाम से पूछा ही जाता है कहीं पैटागोजी बोल दिया जाता है कहीं आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोलॉजी सी में कह देते हैं इसको कहीं टीचिंग मेथडोलॉजी कह देते हैं डीएसएस में पीजीटी वगैरह में पी वगैरह में पीजीटी में तीनों में ही सब्जेक्ट के साथ आता है राम राम जी शुभमी शुभम जी, जी आपको अगला सवाल देखिएगा बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में कि वीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा कथन है सही इनमें से है ना तो सही कथन आपको बताना है समझा दूं टॉलरेंस भी तो लगातार पिछले पांच सालों से श्रेया बात कर रही है विपक्षी जो पार्टियां है ना कि भारत में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गया है इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि भाई यू आर नॉट बीइंग यू आर नॉट टॉलरेटिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अपना कुछ अलग विचार रखूं आपकी तुलना में तो आप मेरे को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो तो असहिष्णुता का मतलब हो गया कि एक ऐसी ट्रेट का होना ऐसी ऐसे व्यवहार में ऐसी आदत का होना जिसमें कि हम अपने से मतभेद वाली चीजों को जो हमारे से अलग विचार रखे गए हैं उनको लेकर एक तरीके से बहुत ही एग्रेसिव हो जाएं उनको लेकर हम एक तरीके से काम न रह पाए उनको अडाप्ट न कर पाए है ना उनके खिलाफ हो जाएं, उसको असहिष्णुता कहते हैं तो यहाँ पे वही लिखा गया कि बच्चे मतभेदों के प्रति असहिष्णु होते हैं जैसे बार बार ये लगता है ना कि भाई हिंदू मुस्लिम में कि हिंदुओं में असहिष्णुता बढ़ गई या कहा जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से लोग जो है असहिष्णु होते जा रहे हैं इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं ये सारी चीजें ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो बी भी आ गया आंसर सामने मेरे सी भी आ गया और एक भी आ गया शुभम का एक आ गया राम बाबू रमन का सी आ गया कंचन सोनकर का बी आ गया ठीक है तो तीन ऑप्शन आ गए दूसरे क्वेश्चन के आंसर में निधि बिल्कुल मिलेंगे बेटा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा चलिए तो दूसरे का ए आ गया निधि का आंसर है ना और कंचन का एक ही है आंसर यहाँ पे भी और दो का डी भी आ गया अच्छा क्या बात है अब एक दो तीन चार तीनों आंसर आ गए दो के है ना एक भी आ गया किसी ने एक भी दे दिया किसी ने दो भी दे दिया किसी ने तीन भी किसी ने चार भी तो किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या है ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है है ना चार में से तो पहला ऑप्शन देखो क्या है पहला है कि भी रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य कक्षा के लिए छात्रों की उपलब्धि है मतलब की द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कि बच्चों की जो अचीवमेंट है ना उसको ग्रेड करना है तो ये तो है नहीं ये समेटिव का है क्योंकि फॉर्मेटिव जो है बच्चों की ग्रेडिंग को या उनके मार्क्स को या उनके परसेंटेजेस को आधार बनाकर उनके अंदर क्लासिफिकेशन को महत्व नहीं देता फॉर्मेटिव ये कौन देता है ये समेटिव देता है तो पहला तो आंसर होगा नहीं जिन्होंने भी पहला ऑप्शन किया था वो गलत है ये करेक्ट नहीं होगा किसके बारे में पूछ रहा है फॉर्मेटिव ये अगर समेटिव के बारे में होता तब करेक्ट होता फॉर्मेटिव के बारे में करेक्ट नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन द फॉर्मेटिव असेसमेंट समराइजेज द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ये भी गलत हो गया ये भी समेटिव की पहचान है सका जो संकलनात्मक होता है ना आकलन या योगात्मक आकलन कहते हैं उसमें ऐसा होता है कि भी एक निश्चित पीरियोडिकल लेवल पे मतलब इंटरवल पे है ना कुछ समय अवधि पर छे महीने पे साल भर पे हम बच्चों की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है है ना व्हाट दे हैव सो हम वहां पे क्वांटम ऑफ लर्निंग चेक करते हैं हम वहां पे इंप्रूवमेंट को बेस नहीं बनाते हैं किसमें समेटिव में तो ये समेटिव की पहचान है पहला स्टेटमेंट भी दूसरा स्टेटमेंट भी योगात्मक आकलन की ये फॉर्मेटिव की है नहीं तो जो एक ऑप्शन कर रहे थे वो भी गलत हो गए जो बी ऑप्शन कर रहे थे वो भी गलत हो गए अब सी देखो द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समाइम्स विद समेटिव असेसमेंट एंड वाइस एवरसा ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी कभी समेटिव भी हो सकता है और इसका विपरीत भी, भी हो सकता है मतलब कि समेटिव जो है वो कभी कभी फॉर्मेटिव हो सकता है तो ये तो हो सकता है क्योंकि अगर हम अपने समेटिव असेसमेंट को एक्सटेंड कर दें समेटिव असेसमेंट तो देखो फॉर्मेटिव में भी होगा लेकिन अगर हम समेटिव असेसमेंट को एक्सटेंड कर दें लर्निंग के आउटकम्स के बियॉन्ड लेके जाए उसको अगर हम इंप्रूवमेंट से जोड़ दें तो वो फॉर्मेटिव बन जाएगा और फॉर्मेटिव को अगर मान लीजिए हम सारे उद्देश्यों तक ना पहुंचाएं बीच में ही छोड़ दें तो वो समेटिव हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट बल्कि ठीक हो जाएगा सी वाला सही होगा यहाँ पे ठीक है और चौथा क्या दिख रहा है समेटिव असेसमेंट इंप्लाइज दैट असेसमेंट इज अ एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ठीक है समेटिव ऐसा नहीं मानता बल्कि कौन मानता है फॉर्मेटिव मानता है तो चौथा जो है उसमें लिखा गया है कि भाई समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन ऐसा मानता है कि आकलन मूल्यांकन जो है वो टीचिंग लर्निंग पार्ट प्रोसेस का इंटीग्रल और कॉन्टिन्यूस पार्ट है नहीं कॉन्टिन्यूअस पार्ट कौन मानता है फॉर्मेटिव इसलिए वो कहता है कि रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन होना चाहिए CCE को अप्लाई करता है वो कि होना चाहिए और क्लासरूम की प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए ताकि उसको पीरियड period, इंटरवल्स पे कराने की जरूरत न पड़े क्लास में पढ़ते पढ़ाते दौरान ही हम करते रहें तो सही आंसर क्या होगा दो का तीन ऑप्शन सही होगा डी तो गलत हो जाएगा ना रिंकी डी जो है वो सबेटिव का नहीं है वो फॉर्मेटिव की बात है ठीक है समेटिव तो इंटरवल की बात करता है कि भाई कोर्स पूरा हुआ तब हम जो है इवेल्युएशन करेंगे या पीरियड पूरी हुई कोई भी जैसे मान लीजिए जै छह महीने का समय अवधि है छह महीने की समय पूरी हुई तब हम इवेल्युएशन करेंगे एग्जाम करेंगे वो समेटिव में आता है कॉन्टिन्यूस और इंटीग्रल पार्ट लर्निंग का टीचिंग का वो नहीं मानता है वो कौन मानता है वो फॉर्मेटिव मानता है तो देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो थे वो समेटिव के बारे में सही थे लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिव लिखा था इसलिए गलत हो गया और चौथा स्टेटमेंट जो है वो है फॉर्मेटिव के बारे में बट यहाँ पे समेटिव के बारे में लिखा है तो ये भी गलत हो गया इसीलिए तीसरा ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव समेटिव हो सकता है कभी कभी समेटिव फॉर्मेटिव हो सकता है तो ये तो हो सकता है अगर जो इवेलुएशन करने वाला है अगर वो पूरा का पूरा ध्यान देकर न चले तो वो फॉर्मेटिव को समेटिव पे छोड़ देगा अगर उसमें वो डायग्नोस्टिक को इंक्लूड नहीं करता अगर उसमें रेमेडिकल टीचिंग को इंक्लूड नहीं करता खाली और खाली परिणाम जानकर छोड़ दे तो वो क्या हो गया समेटिव और अगर समेटिव को आगे बढ़ा दे कोई इवेलुएटर उसमें वो परिणाम जाने बच्चों का फिर जो परिणाम में दिक्कत आई कमी आई अधिगम में लर्निंग में उसको इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ जाए तो समेटिव से वो फॉर्मेटिव में ट्रांसफर कर जाएगा तो ये बात सही हो सकती है तो दूसरे का एकदम अप्रोप्रिएट आंसर अगर कुछ बनता है तो तीन बनता है क्योंकि तो पहला दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा ड्यू टू बींग रॉन्ग रॉन्ग इसलिए क्योंकि दे आर द स्टेटमेंट्स अबाउट समेटिव बट हियर इट इज गिवन फॉर फॉर्मेटिव और फोर्थ इज फॉर फॉर्मेटिव बट इट इज गिवन इन कॉन्टेक्स टू समेटिव तो इसलिए वन टू एंड फोर क्या है इनकरेक्ट है तो वैसे भी ऑप्शन हमारे पास बचता कौन सा है सिर्फ और सिर्फ सी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे दूसरे का सी हो गया थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें देखिए अ टीचर आस्क हिज हर आस्कूडेंट टू ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ टॉपिक ही और सी इज एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से एक अवधारणा चित्र बनाने को कहता है जो उनकी एक विषय पर समझ को प्रतिबिंबित करता है वह है अब ये क्या है बताइए हाँ तीन का आंसर सही आ रहा है आप लोगों का तीन का आंसर सही आ रहा है अभी तक जो आंसर आया मेरे पास धनंजय राय का शुभम का प्रीति प्रिया क्लियर हो गया बहुत बढ़िया ठीक देखो थोड़े थोड़े ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कंफ्यूज करते ही हैं अगर कॉन्सेप्ट हम ना क्लियर रखें अपना तो हम उसमें गलती करी जाते हैं और वो चीज उस समय समझ आती नहीं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है आपके साथ है ना जल्दबाजी भी रहती है तो तीन का डी आ रहा है आंसर श्रेया का भी ठीक है तो तीन का कंचन का भी आंसर आ गया तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप लोग फोर्थ आंसर सही होगा कि भाई एक टीचर जो है बच्चों को कहता है कि भाई आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओ मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका एक डायग्रामेटिक चित्र बना दिया मान लीजिए चीजों को दिमाग में बिठाते हुए एक ऑर्डर में हमने उसका कोई एक डायग्राम बना दिया या चित्र बना दिया फ्लो चार्ट वगैरह जैसे हम बनाते हैं अब इससे उनकी विषय की समझ को का पता चलता है तो ये कौन से प्रकार का आकलन होगा छात्रों को दिमागी कसरत कराना छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करके उनके विकास को बढ़ाना मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण करना या फिर रचनात्मक मूल्यांकन का आयोजन तो ये कहीं ना कहीं रचनात्मक मूल्यांकन का आयोजन माना जाएगा बिल्कुल ठीक है इसका किसका पूछ रहे हैं आप बापूना जी तीन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है डी होगा यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन की बात है इसमें देखो अगर आपको ना थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसे शॉर्ट में समझ लो क्वेश्चन में हटा देता हूं समेटिव एंड फॉर्मेटिव तो आप ऐसे इसको समझ लो समेटिव एंड फॉर्मेटिव को इसको कहेंगे रचनात्मक और इसको कहेंगे हम लोग क्या योगात्मक या संकलनात्मक आकलन ठीक एक तो ये हो गया अरेक ये हो गया अब देखो इसमें क्या होगा इसमें होगा क्या कि ये पीरियोडिकल होगा क्या होगा ये पीरियोडिकल होगा या फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स यानी कोर्स की समाप्ति पर होगा या फिर निश्चित समयावधि पे होगा दूसरी बात क्या होगी की पहचान कि यहाँ पे हम फोकस किस पे रखेंगे आउटकम ऑफ लर्निंग पे क्या सीखा गया उसका क्या परिणाम हुआ सीखने का उसके ऊपर बल होगा हमारा तीसरी बात क्या होगी यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग या रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स पे फोकस होगा ग्रेडिंग या रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स पे फोकस होगा विद्यार्थियों की हम ग्रेडिंग या रैंकिंग करेंगे चौथी बात हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें देखो चौथी बात इसमें यह होगी कि इसमें केवल और केवल स्कॉलिस्टिक का ही इवेल्युएशन होगा स्कॉलिस्टिक असेसमेंट बन इसमें केवल और केवल पढ़ाई लिखाई का ही असेसमेंट होगा ऑल अराउंड डेवलपमेंट का नहीं होगा अब इसी की तुलना में मेन मेन पॉइंट यहां देख लो ये जो होगा क्या होगा अब वो पीरियोडिकल हो गया ये हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस ठीक है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा दूसरी बात क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कि रेगुलर विद टीचिंग लर्निंग विध टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कि रेगुलर होगा ये क्लास के अंदर टीचिंग लर्निंग के साथ साथ चलेगा मतलब जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे और इवेल्युएशन करते चलेंगे ठीक है एक बार कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया सतत होगा निरंतर होगा दूसरी बात देखो क्या होगा इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की जाएगी यानी कि व्यापक मूल्यांकन की बात की जाएगी जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्कॉलिस्टिक ही खाली नहीं होगा बल्कि स्कॉलिस्टिक के साथ साथ क्या होगा को स्कॉलिस्टिक को भी यहाँ पे एसेस किया जाएगा यानी कि बच्चे की स्पोर्ट्स में क्या वृद्धि हो रही है क्या प्रगति है है ना उसके व्यवहार में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसकी आदतें कैसी बन रही हैं मॉरलिटी कैसी है उसकी नैतिक विकास कैसा है ये सब इसमें शामिल होगा और बात क्या होगी देखो इसके अंदर इसके अंदर बात हो जाएगी कि इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग पे फोकस होगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग ये लर्निंग के लिए किया गया आकलन होगा और वो क्या होगा ये लर्निंग का आंकलन होगा तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि में सुधार की बात की जाएगी और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल अचीवमेंट है बच्चों की उस पर ध्यान रहेगा कि हर बच्चा अचीव करे अपनी क्षमता के अनुसार उस पर फोकस रहेगा और रैंकिंग आदि नहीं होगी है ना नो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स या नो no ग्रेडिफिकेशन ऐसे कह सकते हो आप है ना बच्चों में विभेद नहीं होगा नो no डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कह सकते हो आप नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट्स बच्चों में भेद को बढ़ावा ये नहीं देगी और यहाँ पे क्या होगा समूह मानक होंगे सभी के लिए एक जैसे मानक होंगे वहां पे सबके लिए उनकी आवश्यकता अनुसार मानकों में बदलाव भी किया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट अब मेरे ख्याल से मेन मेन चीजें मैंने बता दी इसमें आपकी जो पूछा जाता है बार बार ठीक बिल्कुल जिनका भी चार ऑप्शन था वो सही था अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लेंगे तो इतने में आपको कम से कम यह है कि मेन मेन चीजें आपको पता लग जाएंगी इसके अंदर की कि भाई क्या है फॉर्मेटिव और क्या है समेटिव तो ज्यादा बेहतर कौन सा माना जाता है फॉर्मेटिव ठीक है टीचर और लर्नर दोनों के परस्पेक्टिव से इसमें टीचर के भी इवेलुएशन का मौका मिलता है है ना टीचर भी इवेलुएट करता है खुद को अपनी प्रोसेसिस को सुधारता है ठीक करता है फॉर्मेटिव वाले में इसमें ये नहीं होगा कि भाई अगर बच्चा फेल हुआ तो सारी जिम्मेदारी बच्चे की है अगर फॉर्मेटिव रेवल्यूशन होगा तो उसमें जिम्मेदारी बच्चे के साथ साथ व्यवस्था की भी होगी सिस्टम की भी होगी पाठ्यक्रम को भी चेक करेंगे हम उसमें प्रणाली क्या है हमारी असेसमेंट की उसको भी देखेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन को भी देखेंगे पढ़ाने के तौर तरीकों को भी चेंज करेंगे टीचिंग एड्स वगैरह को टीचिंग मेथड्स वगैरह को ये सारी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग फोर्थ नंबर पे जो आएगा आपके सामने है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ पे आ रहा है, आपके सामने. ये कहता है कि इन से कौन सा है जो, uh, जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है इवेल्युएशन को तो आप देखिएगा ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है पहले ये समझ लीजिए टैक्सोनॉमी है की, वो क्या है रिवाइज टैक्सोनॉमी जो है ब्लूम की वो मैं आपको बता देता हूं पहले उसके बाद इवेल्युएशन वाले का डिफिनेशन आपको इसमें बताना है कि इवेलुएशन की डिफिनेशन क्या है आप लोग बताइए जल्दी से पढ़ के आंसर जब तक मैं आपको यहाँ पे रिवाइज टेक्सोनॉमी में बता देता हूं कि आएगा कैसे कैसे तो देखो सबसे पहले लेवल पे यहाँ पे आ जाएगा रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग का मतलब हो गया याद रखना याद रखना दूसरे लेवल पे आ जाएगा यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ ग्नेटिव डोमेन कॉग्नेटिव डोमेन गिवन बाई ब्लूम जो ब्लूम ने कॉग्नेटिव डोमेन दिया था उसका रिवाइज जो टेक्सोनॉमी है वो ये हम पढ़ रहे हैं ठीक है और ब्लूम ने जो दिया था यह कब दिया था उन्नीस सौ छप्पन में दिया था ठीक है और ये जो आया ये कब आया टू थाउजेंड में आया ठीक है तो पहले नंबर पर आ जाएगा रिमेंबरिंग आ जाएगा दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा देखो यहां पर तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग समझना वर्व के फॉर्म में सारे शब्द आएंगे इसमें समझना तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा तीसरे नंबर पे आ जाएगा अप्लाइंग यानी कि अनुप्रयोग करना अप्लाइंग यानी कि अनुप्रयोग करना चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका यहां पे क्या एनालाइजिंग एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना विश्लेषण करना पांचवें नंबर पे आ जाता है यहाँ पे इवेल्युएटिंग और पुराना जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसमें ये लास्ट नंबर पे छह नंबर पे आता था है ना मूल्यांकन करना मूल्यांकन करना और छठे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है क्रिएटिंग क्रिएटिंग यानी सृजन करना ये देखो रिवाइज्ड वाला है ठीक और ओरिजिनल अगर देखोगे ब्लूम का जो था नाइनटीन वाला तो इसमें क्या था देख लो ओरिजिनल जो था इनका 1956 में जो इन्होंने दिया था मूल रूप से तो उसमें क्या था पहले नंबर पे था नॉलेज यानी कि ज्ञान जिसको रिमेम्बरिंग कर दिया बाद में दूसरे नंबर पे था आपका क्या कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन यानी अवबोध अभी मैं लिख रहा हूं पीछे आपका कमेंट्स देख नहीं रहा हूं तो आप लोग नाराज मत हो जाना है ना तीसरे पे था इनका अप्लाई uh, अप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब वही अनुप्रयोग चौथे नंबर पे था एनालिसिस कि विश्लेषण पांचवें नंबर पे था सिंथेसिस सिंथेसिस ठीक है और छठे नंबर पे था यहाँ पे इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन देखो तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया ठीक है कि जो ओरिजिनल ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कॉग्नेटिव डोमेन था वो ये था क्वेश्चन हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो है ना पहले आप नोट कर लो क्वेश्चन हटवाता हूं मैं फिर उसके बाद आंसर पे डिस्कस करते हैं फटाफट से नोट कर लो या फोटो खींच लो आप जैसे भी स्क्रीन शॉट ले लो देखो जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है कॉग्नेटिव डोमेन की जिसको कि ओरिजिनली ब्लूम ने दिया था वो ये है क्या है पहले नंबर पे रिमेंबरिंग यानी याद रखना दूसरे नंबर पे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग यानी समझना तीसरे नंबर पे आ जाएगा अप्लाइंग यानी अनुप्रयोग करना चौथे नंबर पे एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना पांचवे नंबर पे इवेलुएटिंग यानी मूल्यांकन करना छठे नंबर पर क्रिएटिंग सृजन करना हमने नीचे से नंबर क्यों लिखे क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है तो पहले बंदा अगर कोग्नेटिव डोमेन में कुछ सीखेगा तो क्या सीखेगा मेमोराइज करना सीखेगा रिमेंबर करना सीखेगा और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये अपवर्ड स्ट्रीम में हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए हमने नीचे से नंबरिंग इसकी लिखी क्योंकि उन्होंने पीरियडिकल दिया हुआ है ना इसको उन्होंने इस तरीके से पीरियडिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरीके से तो आप ध्यान रखना कि सिंपल लेवल कौन सा होगा इसका रिमेंबरिंग एक से हम छह की तरफ बढ़ेंगे इधर से एक दो चार नहीं गिनेंगे इधर से गिनेंगे नीचे से है ना आई बस समझ में क्वेश्चन हट गया है बेटा सुबह में आप नोट करो बिल्कुल श्रेया सही आंसर है आपका अब आप देखो समझो मतलब रिमेंबरिंग का मतलब हो गया याद करना अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि भाई कोई चीज पढ़ी हमने वो समझ आई कि नहीं हमें अच्छे से अप्लाइंग का मतलब कि अगर हमने समझ लिया तो उसको क्या हम अपने व्यवहार में लागू कर पा रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल कर पा रहे हैं नए प्रॉब्लम्स को डील करने में इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये यह यहाँ पे आ जाएगा एनालिसिस का मतलब होता है कि उस चीज की विस्तृत समझ रखना कि हम उसको क्या करें कि डिटेल्ड वे में एनालाइज कर सके पार्ट पार्ट्स में बांट बांट के चीजों को अच्छे से समझ सके इवेलुएशन का मतलब क्या होता है कि भाई गिवन चार ऑप्शन है मान लीजिए जिससे आप कर रहे हो कि आपके पास चार मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है एक क्वेश्चन के आप उनमें से एक को चुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि चार में से तीन की तुलना में एक को बेटर मान रहे हो बेस्ट मान रहे हो तो जजमेंट ही तो कर रहे हो तो का मतलब क्या होता है इवेल्युएक्ट करना किसी चीज को चूज करना, करना तो चयन करना या किसी चीज का निर्णय लेना या किसी चीज में एक तरीके से हम बोले कि अन्य की तुलना में एक को बेहतर मानना क्या कहलाता है इवेल्युएशन कहलाता है और क्रिएटिंग का मतलब हो जाएगा कोई नई विचार को पैदा करना कोई नया थॉट डेवलप करना कोई नया क्रिएशन करना अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा चार का और ये इनका देखो ओल्ड जो टेक्सोनॉमी थी वो थी 1956 में जो इन्होंने पहली बार दी थी वो ये 2000 में आई थी रिवाइज्ड एडिशन इनका ठीक है तो इसमें क्या था देखो नॉलेज था कॉम्प्रिहेंशन था एप्लीकेशन था एनालिसिस था सिंथेसिस था था यहाँ पे सिंथेसिस हटा के उसकी जगह नीचे चेंज हुआ जब नया रिवाइज एडिशन आया तो अब सवाल लगा देते हैं सवाल देखिए अब चार नंबर का ये था कि कौन सा प्रतिनिधित्व तो करता है किसका इवेलुएशन uh, का मूल्यांकन का तो मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व तो देखो कौन कर रहा है इसमें से वाक्य Evaluating the, uh, के आधार पर योग्यता जांचना इवेलुएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड अच्छा फॉर्मुलेटिंग अव वे ऑफ कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे उनको हमें श्रेणीबद्ध करना है अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है तो उसके लिए एक नया तरीका डेवलप करना तो नया तरीका डेवलप करना तो क्रिएटिंग में चला जाएगा या हम कह सकते हैं उसको एनालिसिस में जाएगा बल्कि क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं कैटेगराइज कर रहे हैं तो कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन ये सब किस में आता है एनालिसिस में आता है तीसरा क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा डेटा का इस्तेमाल करके हम कोई ग्राफ या चार्ट बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कहलाएगी ठीक है और चौथा है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन यानी एक आपके पास जो भी सोल्यूशन अवेलेबल है उस सोल्यूशन को आप जज कर रहे हो उसका मूल्यांकन कर रहे हो उसका उसके ऊपर आप एक तरीके से न्याय निर्णय कर रहे हो कि वो लॉजिकली सही है या नहीं है तो किसी चीज को सही है या नहीं के रूप में देखना ठीक है लॉजिकल कंसिस्टेंसी को चेक करना उसकी सोल्यूशन की ये क्या कहलाएगा इवेल्युएशन होगा या नहीं होगा भाई जैसे आपको चार तरीके पता है काम को करने के अब उसमें से कह रहे हैं कि ए, आप किस आधार पर तय कर रहे हो कि भाई जो तरीका है मेरे पास सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन लॉजिकली कंसिस्टेंट है या नहीं मतलब आज के समय में लागू हो रहा है तो क्या बाद में भी ये लागू होगा या नहीं होगा ऐसा तो नहीं कि वन टाइम सोल्यूशन है है ना तो अगर वो वन टाइम सोल्यूशन नहीं है बाद में भी लागू होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर है ना सही आंसर क्या होगा फोर यानी कि डी वाला समझ आई बात सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी होगा मैंने पहले बताया ना कि इवेल्यूएशन का मतलब क्या हो गया जज करना डिसीजन लेना या फिर सेलेक्ट करना चूज करना किसी चीज को ठीक है तो गिवन जैसे आप क्या कर रहे हो चार ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट कर रहे हो तो जज कर रहे हो ना किसी न किसी बेसिस पे दिस शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएटनेस के बेसिस पे आप जज कर रहे हो जजमेंट कर रहे हो देवव्रत जी चार होगा इसका है ना, ना चार होगा बी तो होगा नहीं क्योंकि बी में अ न्यू वे ऑफ कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब आप कुछ आप वहां पे क्या कर रहे हो कि जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं उनको श्रेणीबद्ध करने के लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हो नया तरीका ढूंढ रहे हो तो वहां पे इवेलुएशन कहाँ आ रहा है वहां पे तो इवेलुएशन है नहीं इवेलुएशन कब आएगा जब आप किसी चीज को जज करोगे अच्छा या बुरा के सेंस में है ना ज्यादा तेज दिमाग और कम तेज दिमाग के सेंस में क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये नोट कर लिया होगा आप सबने दो चीजें देखो आपको क्लियर कर दी मैंने एक तो टेक्सोनॉमी जो है डोमेन जो है कॉग्निटिव वाला संज्ञानात्मक जो पक्ष है लर्निंग का ब्लूम के द्वारा दिया गया पुराना भी उन्नीस सौ छप्पन में जो ब्लूम ने दिया था और बाद में उनके जो डिसाइपल्स ने दिया 2000 में वो भी रिवाइज वाला भी और उसके पहले हमने फॉर्मेटिव और समेटिव भी पढ़ लिया ब्रीफ में तो देखो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर होते जा रहे हैं आपके ठीक है अब पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कहता है कि भाई एक शिक्षक के रूप में आपका मजबूत विश्वास करते हैं कि रैगिंग और धमकी नहीं होना चाहिए इसके लिए स्कूलों में पोस्टर और समितियों का गठन होना चाहिए वे युवा जो आपके साथ मजबूत विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं में से किस स्तर पर हैं तो देखो ये कन, एक तरीके से मॉरल डेवलपमेंट के केवल है, लेवल, लेवल।, लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री लेवल वन जो हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत और लेवल टू को कहते हैं क्या कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत या रूढ़िगत और लेवल थ्री को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल तो इसका मतलब ये समझो आप कि जैसे जैसे लेवल वन से लेवल थ्री की तरफ बच्चा बढ़ेगा वो ज्यादा नैतिक होता चला जाएगा है ना यानी इसका ऑर्डर क्या है ऑर्डर है ठीक है कम नैतिक से ज्यादा नैतिक होने की तरफ वो बढ़ेगा मतलब लेस मॉरल से हाईली मॉरल ठीक है अधिक नैतिक व्यवहार करना सीखेगा अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी नैतिकता कहाँ पे होगी तो हम कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल में सबसे कम या न के बराबर नैतिकता कहा होगी तो हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल में क्लियर हुआ अब यहाँ पे देखो जो कन्वेंशनल स्टेज है जिसको रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था कहते हैं ना अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा इसके अंदर दो चीजें आती हैं स्टेज एक आता है जिसमें गुड इमेज की बात आती है गुड गुड बॉय गर्ल जिसको आप कहते हो अच्छी छवि बनाने के ऊपर बच्चा प्रेरित करता है खुद को और दूसरा आता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना सोशल एंड लॉ ऑर्डर को सोशल एंड लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना मतलब सामाजिक और कानून व्यवस्था बनाए रखना अब आप सोच के बताओ कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा सवाल किसमें आएगा पांचवा सवाल आपका आ, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा प्री कन्वेंशनल में आएगा या कन्वेंशनल में आएगा आपको मैंने बताया ठीक है इसमें एक अवस्था आ जाती है स्टेज जिसको आप थ्री कहते हो स्टेज फोर आ जाती है ये अच्छा प्री कन्वेंशनल में जाओगे तो स्टेज वन जो आ जाएगी वो पनिशमेंट ओबीडियंस आ जाएगी पनिशमेंट के आधार पर दंड के आधार पर निर्णय करेगा बच्चा सेकेंड जो आ जाएगी वो रिवार्ड के आधार पर करेगा रिवार्ड या उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट uh, ओरिएंटेशन तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ खाली ब्रीफ में आपको हिंट के तौर पे पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे बट आप समझ सकते हो और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या हो जाता है देखो स्टेज फाइव और स्टेज सिक्स आ जाते हैं स्टेज फाइव क्या है इसमें आ जाता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध और एक आ जाता है आपका स्टेज सिक्स जो लास्ट है वो हो जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन हटा दीजिए क्वेश्चन एक बार को ठीक है एक बार देख लो आप लिख लो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ आप हिंदी में भी लिख सकते है जिनको लिखना हो जिनको गलत, 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 गलत लिखा हुआ लेवल नहीं है वो स्टेज है और स्टेज ही पूछा हुआ है तो इसलिए आंसर उसका जो है डी होगा ठीक है सोशल ऑर्डर का ही सवाल है ये तो इसमें स्टेज ही पूछा हुआ लेवल तो पूछा ही नहीं हुआ विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेज है ना तो अगर स्टेज पूछा हुआ है तो हम स्टेज में आंसर करेंगे कौन सा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज लेकिन वहां पे चूंकि लेवल लिख दिया है तो हमें लेवल के हिसाब से आंसर अगर करना है तो हम लेवल के हिसाब से क्या आंसर करेंगे इसमें कन्वेंशनल लेवल है ना तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको पहले सब लोग यहाँ पे बेसिकली बात किस चीज की आ रही है बात आ रही है सोशल ऑर्डर एंड लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की ठीक है तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना किस क्षेत्र किस के दायरे में आएगा वो आएगा यहाँ पे सोशल एंड लॉ ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में कि क्योंकि बच्चा जो है सामाजिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है तो अगर स्टेज पूछेगा तब तो ये ठीक है करेक्ट आंसर है डी वाला और अगर लेवल में पूछेगा तो क्या करेंगे कन्वेंशनल बोलेंगे इसको लेवल में कन्वेंशनल आ जाएगा और स्टेज में क्या आ जाएगा सोशल लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन अब इसमें क्या है पूछा क्या गया है हमसे तो इंग्लिश में पूछा गया है स्टेज और हिंदी में पूछ रहा है स्तर तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं इसमें अगर देखो अगर पूछेगा चौथे का आंसर लेवल के हिसाब से तो लेवल क्या हो जाएगा इसका कन्वेंशनल हो जाएगा यानी कि पारंपरिक स्तर हो जाएगा परंपरागत स्तर हो जाएगा अगर स्टेज पूछेगा तो स्टेज कौन सा हो जाएगा इसके अंदर तो स्टेज हो जाएगा आपका ये वाला स्टेज फोर है ना स्टेज फोर हो जाएगा यानी कि सोशल और सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखना उसमें आ जाएगा ठीक है स्टेज फोर में नीति का बिल्कुल ठीक है आगे बढ़े नोट कर लिया आप लोगों ने ये है? है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं समझ आ गया ये अच्छा ऐड भी लग रहा है क्या उसको हटा दीजिए क्वेश्चन छिपरा होगा हटाइए उसको ठीक है हटा दिया देवव्रत जी ध्यान नहीं दिया था मैंने समझ आ गया ना चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेवल पूछेगा तो कन्वेंशनल अगर स्टेज पूछेगा तो सोशल लॉ ऑर्डर

जो इनका फाइंडिंग uh, है इनके रिसर्च की वो उतनी जेनविन नहीं मानी जा सकती सभी के लिए दूसरा एक आलोचना होता है कि इन्होंने क्या किया वेस्टर्न कल्चर्स के बेसिस पे मतलब एक पर्टिकुलर सांस्कृतिक परिवेश के बच्चों से सवाल जवाब करके उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की और जबकि अलग अलग जो सामाजिक स्थितियां हैं सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनमें अलग अलग बच्चों की नैतिकता का स्तर भी अलग अलग हो सकता है क्लियर हुआ इस तरीके से भी इनकी दो आलोचनाएं की जाती है मुख्य रूप से बाकी जीन पियाजे से ये प्रभावित थे तो कहा जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का ही इन्होंने विस्तारीकरण किया है उसी को एक्सटेंड किया है इन्होंने अपना कोई नया विचार नहीं दिया है तो अगला सवाल हमारे सामने है कौन से नंबर का पांच अच्छा छे नंबर सवाल आ गया हमारे सामने हाँ ये पांचवा था ना तो आ गया बिल्कुल छह नंबर सवाल का आंसर आप लोग करिएगा का भी हमने डी कर दिया या अगर लेवल पूछता तो हम क्या फॉलोइंग करते? एक करते, एक करते, स्टेटमेंट्स जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है किस वाक्य से अध्यापक सूचना और अधिकार के सूत्रधारक है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और, और सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है सीखना तथ्यात्मक और कौशल महा महारत के माध्यम से एक साथ आए परीक्षा एक आदर्श संदर्भित और बाहरी है सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइए छे का दो बिल्कुल ठीक है छे का जितने भी बच्चे दो आंसर कर रहे हैं वो सही है सी कैसे होगा बेटा दो होगा ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया है कोई बताएगा मुझे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है प्रगतिशील शिक्षा का वो किसने दिया है जॉन डेवी ने है ना जॉन डुबी ने दिया है प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट और इसमें मुख्य बात यही की जाती है कि भाई जो भी हम शिक्षा बच्चों को दें वो वर्तमान समय से जुड़ी हुई हो और बात आती है कि सीखता कैसे है बच्चा तो कहा जाता है कि बच्चा जो है वो खुद ही स्वाभाविक वातावरण में सीखता है नेचुरल एन्वायरमेंट में सीखता है और कैसे सीखता है तो वो कहीं ना कहीं अपने खुद के अनुभवों से ज्यादा सीखता है और उसके साथ साथ जो सोशल इंटरैक्शन है उससे भी सीखता है आई बात समझ में लर्निंग बाई डूइंग बिल्कुल ठीक है तो खुद के अनुभव यानी कि काम करके सीखना जॉन डूबी का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है तो जॉन डूबी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा की बात की है क्लियर हुआ और इसमें माना किया जाता है कि शिक्षा कैसी जरूरी होनी चाहिए हमारे लिए जो हमारे जीवन में काम आ सके जो हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सके जो हमारे वातावरण से हमारे समाज से जुड़ी हुई हो हमारे समाज के लिए भी उपयोगी हो और इसको सीखने के लिए वो कहते हैं कि समाज की भूमिका भी रहती है बच्चों के साथ और साथ ही साथ बच्चे खुद अपने अनुभव से लर्निंग बाई डूइंग के कॉन्सेप्ट से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से करके सीखने की प्रक्रिया से सीखते हैं इसीलिए इसमें ज्यादा अच्छे मेथड्स कौन से माने जाएंगे तो जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया जैसे आप मान लीजिए एक तरीके से अगर हम कहें ग्रुप डिस्कशन मेथड तो इन तरीकों से बच्चा जब सीखेगा तो ज्यादा बेहतर लर्निंग करेगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका एक सौ ये छह नंबर का बी हो जाएगा सब लोग का आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अगला सवाल देखिएगा जॉन डेवी ने दिया था यह भी याद रखना आप लोग पूछ सकता है सवाल आपसे ठीक है और ये सारे प्रेगमेटिक थिंकिंग के अंदर आने वाली चीजें हैं ह्यूरिस्टिक रेनू जो है वो शोध विधि कहते हैं इसको ये आर्म स्ट्रॉग ने दी थी और प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो परियोजना विधि कहलाता है ये किलपैट्रिक ने दिया है तो लिख लीजिएगा ह्यूरिस्टिक किसने दिया है ह्यूरिस्टिक दिया है आर्मस्ट्रॉन्ग ने और कोई मत लगाइए हटाइए ह्यूरिस्टिक जो है आर्म स्ट्रांग ने दिया है और जो परियोजना विधि है वो किसने दी है प्रोजेक्ट मेथड वो किल पैट्रिक ने दिया है क्लियर हुआ और ये दोनों ही विधियों में जिसे रिसर्च मेथड जो हो गया एक तरीके से रिसर्च बेस्ड वो ह्यूरिस्टिक हो गया बच्चे खुद से समाधान ढूंढते हैं उसमें समस्या का और प्रोजेक्ट मेथड में भी यही होता है कि हम प्रोजेक्ट जो है बच्चों को सौंपते हैं उसके ऊपर वो काम करके छोटे छोटे समूहों में अपना हल ढूंढते हैं सात नंबर सवाल देखिएगा बिल्कुल रेणु सात नंबर सवाल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज रिक्वायर्ड ड फॉरेन एयरफोर्स पायलट तो एकदम सही सही बताइएगा इसको गलत मत करिएगा इंटरपर्सनल मतलब क्या वहां पायलट बातचीत करेगा फेसबुक पे चैट करेगा या लोगों से बातचीत करेगा इंटरपर्सनल जो बता रहे हैं वो थोड़ा सोचें इस पर इंट्रापर्सनल है मान लीजिए अच्छा तो क्या करेगा वो अपने आप से बातचीत करेगा उसमें क्या ज्यादा जरूरी है उसमें सोच के देखो सब लोग चार आंसर कर रहे हो लेकिन थोड़ा सोचो इस इसपे ऐसे नहीं होता आंसर इंट्रापर्सनल आप लोग बता रहे हो कि भाई अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है है ना किसने दी है वो दी है गार्डनर ने है ना तो उसमें एक उन्होंने बुद्धि कौन सी बताई अंतरा व्यक्तिक बुद्धि बताई उन्होंने या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात की अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आप लोग आंसर बता रहे हो लेकिन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है स्वयं को समझने की क्षमता होती है इंट्रापर्सनल क्या होता है स्वयं को समझना अब पता चला वो पायलट जो है चला रहा है क्या पायलट जो है वो एक तरीके से एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है उड़ा रहा है

बॉडली केनेस्थेटिक कोनेटिव सारी चीजें इसमें बताई हुई मैंने कि कोनेटिव भी कहते हैं इसको टेंशन कह रही नौ होते हैं बिल्कुल और आठ कौन बता रहा है राम बाबू आठ बता रहे हैं नौ बता रहे हैं आठ बता रहे हैं नौ बता रहे हैं आठ बता रहे हैं है। नौ होते हैं भाई पहले सात थे बाद में नौ हो गए है ना ममता कह रही नौ अभी एनसीईआरटी में नहीं मानी है अच्छा एनसीईआरटी में मानने से मतलब नहीं है बेटा उन्होंने टोटल नौ बताई है ठीक है एनसीआरटी कौन होता है मानने वाला गार्डनर ने विचार दिए हैं तो एनसीआरटी थोड़ी मानेगा इसको एनसीआरटी में लिखा नहीं होगा अलग बात है मानना ना मानना उस उसमें कोई डिबेट थोड़ी किया एनसीआरटी ने कि मैं नहीं मानता इसको. उसमें अपडेट नहीं हुआ होगा ये हो सकता है ठीक अब देखो इसको कौन कौन सी बुद्धि उन्होंने बताई तो एक तो सबसे पहले आप लिख सकते हो इसमें लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक बुद्धि यानी कि भाषा संबंधित जो बुद्धि है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसको हिंदी में भी लिखते चलो भाषाई बुद्धि दूसरी बताई उन्होंने कौन सी मैथमेटिकल रीजनिंग लिख लो फटाफट से मैथमेटिकल और रीजनिंग इंटेलिजेंस लॉजिकल या रीजनिंग यानी कि गणित संबंधी बुद्धि हमारी गणित तथा तर्क संबंधी बुद्धि ठीक तीसरी लिख लीजिए आप इसमें क्या स्पेशियल स्पेशियल होता है क्या एक जगह के बारे में हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना उसको कहते हैं स्पेशियल यानी कि स्थानिक बुद्धि या इसको हम कहते हैं दैसिक बुद्धि कोई भी स्थान को दिमाग में रखकर अगर आप उसके बारे में मैनिपुलेशन कर रहे हो कि तो भाई यहाँ पे ये चीज बन सकती है ये चीज नहीं बन सकती है यहाँ पे ये वॉशरूम हो सकता है यहाँ पे ये ड्राइंग रूम हो सकता है प्लॉट का नक्शा देखना बनाना ये सारी चीजें इसमें आएंगी ठीक है <laughs> इंजीनियरिंग का जो काम होता है सिविल इंजीनियर्स का तो, तो स्पेशियल इंटेलिजेंस हो गया इसके बाद इसमें देखो यही है बॉडी केनेस्थेटिक बॉडी केनेस्थेटिक हम लिख सकते हैं या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कोनेटिव भी लिख सकते हैं या इसी को साइकोमोटर भी लिख सकते हो आप यही चीज जो है लर्निंग डोमेन में क्या कहलाती है साइकोमोटर तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई मनोगतिक मनोगतिक बुद्धि या शारीरिक कार्य करने की बुद्धि है ना तो जब पायलट गाड़ी चलाएगा तो उसको क्या करना है उसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक फिजिकल टास्क करना है जिसमें कि उसको मेंटल अलर्टनेस भी चाहिए और बहुत सारे जो हमारे बॉडी पार्ट है तो इसमें कौन सा सही होगा इसमें होगा ये वाला सही है ना बॉडी या या कोनेटिव साइकोमोटर तो आपका आंसर का क्या हो जाएगा सी सी में दिया हुआ है ये ऑप्शन इंट्रा पर्सनल तो आपको बता ही दिया कि नहीं होगा क्योंकि वो पता चला खुद ही में खो जाएगा तो कैसे काम चलेगा पांचवा आप इसमें लिख सकते हो म्यूजिकल यानी संगीत संबंधी संगीत संबंधी बुद्धि ठीक और छठा आप लिख सकते हो इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल अब इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि भाई अपने अन्य लोगों से है ना स्वयं अन्य बुद्धि स्वयं तथा अन्य के बीच जो संबंध होते हैं वो या इसको आप कह सकते हो अंतर्वैक्तिक अंतर वैयक्तिक अंतर बुद्धि ठीक जहां पे व्यक्ति खुद से बातचीत न करके औरों से बातचीत करता है जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ आप किसी और से बातचीत करो ग्रुप्स में बातचीत करो तो उस तरीके की जो समझ होती है हमारी ना उसको कहते हैं इंटरपर्सनल जैसे कोई सेल्समैन होता है देखो है ना या कोई जैसे एल एजेंट होता है कोई सेल्समैन होता है कोई मोटिवेटर होता है मोटिवेशनल स्पीकर होता है उनके अंदर कौन सी क्षमता होती है ज्यादा ये वाली इंटरपर्सनल वाली है ना क्योंकि तो वो अपनी बात से दूसरे को प्रभावित कर देते हैं जैसे मोदी जी हैं या कोई भी लीडर है जो कि अपनी बात से दूसरों को प्रभावित कर दे वो क्या कहलाएगा इंटरपर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा रखेगा अपने दिमाग में उसका उपयोग करेगा तो ये तो हो गए छह और सात ये हो गई सातवीं जिसको हमने डिस्कस कर ली स्वयं को समझना अब आठवीं क्या उन्होंने बताई थी देखो नेचुरलिस्टिक बताई थी आठवीं कौन सी बताई थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि की बात की उन्होंने 1998 में जोड़ा इसको प्रकृतिवादी बुद्धि को कब जोड़ा उन्होंने 1998 में और इसके बाद नवी उन्होंने बताई कौन सी एग्जिस्टेंसियलिस्टिक एग्जिस्टेंसियलिस्टिक आप याद रखिएगा जैसा सवाल पूछेगा उसके हिसाब से आंसर कर दीजिएगा ठीक है ये तो नहीं पूछेगा कि एनसीआरटी में कितनी दी हुई है यही पूछेगा कि कितनी है तो उसमें ऑप्शन अगर नौ होगा तो नौ दीजिएगा नहीं है तो फिर आठ दीजिएगा उस पर डिपेंड करेगा अस्तित्ववादी यानी ये कौन सी है इसको 2000 में जोड़ा गया अब प्रकृतिवादी का मतलब हो गया कि प्रकृति की समझ जो हमारी होती है जैसे पशु पक्षी हैं जैसे मौसम है ठीक है वनस्पतियां हैं उनके बारे में जो हम अनुमान लगा सकते हैं समझ सकते हैं जल्दी से तो वो कहलाएगी हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्वी अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब हो गया एक तरीके से जो फिलोसफिकल थिंकिंग होती है हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि भाई व्यक्ति अपने एक तरीके से कहें कि भाई जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मान लीजिए पूछे कि कोई सोचे कि नॉलेज क्या है बिलीफ क्या है ट्रस्ट क्या है इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ईश्वर है या नहीं है है ना प्रेतात्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं जीवन का असली उद्देश्य क्या होता है मृत्यु के बाद क्या होता होगा इस तरीके के जो समझ डेवलप करने लगे खासकर जैसे आप देखोगे जो जो रिलीजियस गुरुज होते हैं है ना जो जो एक तरीके से सुख संसार वैभव ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कायदे से वो क्या हो जाएंगे एक्जिस्टेंसलिस्टिक इंटेलिजेंस रखने वाले लोग कहलाएंगे तो समझ आ गया सबको ये नौ no इंटेलिजेंस हो गई पहला क्या हो गया भाषा संबंधित बोलने बात करने समझने लिखने तमाम सारी चीजें मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि गणित संबंधी जो क्षमताएं हमारी होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो और तर्क लगाने की क्षमताएं किसी भी चीज को कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर समझना स्पेशियल मतलब किसी भी स्थान विशेष के बारे में दिमागी मैनिपुलेश करना दिमाग के अंदर कसरत करना जगह के आधार पर कि भी इस जगह का क्या क्या कैसे कैसे फेरबदल हो सकता है बॉडी यानी कि शरीर से किए जाने वाले बहुत सारे काम जिसमें कि मस्तिष्क की भी जरूरत होती है अलर्टनेस की उससे संबंधित बुद्धि जैसे खेल कूद हो गया जैसे गाड़ी चलाना हो गया जैसे पायलट का काम हो गया लोको पायलट का काम हो गया ये सब इसमें आएगा म्यूजिकल मतलब संगीत संबंधी वाद्य यंत्र बजाना हो गया हारमोनियम कोई बजा रहा है ढोलक कोई बजा रहा है कोई गाना गा रहा है कोई गाना लिख रहा है कोई लय सेट कर रहा है उसके अंदर म्यूजिक कंपोजर है ये सारे इंटरपर्सनल में मैंने बताया कि भाई जब मैं किसी और से बात करूं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हैं लीडर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को है ना जो हैं ठीक है एजेंट्स हैं ये सारे कौन से होंगे इंटरपर्सनल डीलर्स होते हैं बहुत सारे इंटरपर्सनल स्किल वाले लोग होंगे जहां पे वो अपने बातचीत से दूसरों को समझा सके कन्विंस कर सके इंट्रापर्सनल देख लो इंट्रापर्सनल मतलब अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कौन सी हो जाएगी जहाँ पे कि हम अपनी समझ रखेंगे हम अपने बारे में जानेंगे जैसे सेल्फ एफिकेसी एक टर्म यूज होता है एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में कि भाई स्व क्षमता को जानना हम अपने एम्बिशंस को समझें हम अपनी एबिलिटीज को समझें हम अपनी योग्यता क्या है कमजोरी क्या है हमारे अंदर स्वाट एनालिसिस जिसको कहते हैं ना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट यानी हम अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ है क्या हमारी वीकनेस है किस पे हमें और काम करना है कौन चीज़ हमें आगे बढ़ा सकती है कौन सी चीज़ को हमें दूर करना है ये सब जो अंडरस्टैंडिंग आया सेल्फ मोटिवेशन आने लगे सेल्फ रेगुलेशन आने लगे सेल्फ मॉनिटरिंग हम करने लगे तो वो सब हमारी क्या होगी इंटेलिजेंस के कारण होगा ऐसा और और प्रकृति को समझना मैंने बताया प्रकृतिवादी अस्तित्ववादी दार्शनिक चिंतन की बातें इसमें समझ नेट वाले बच्चे ये आप कर ना, सब सब की काम का है मल्टीपल इंटेलिजेंसरी अभी कई नाम से पूछ दिया जाता है कई बार हिंदी में इसको बहुल प्रतिभा सिद्धांत कह देंगे बहुबुद्धि सिद्धांत तो कहते ही कहते हैं ठीक है बहुबुद्धि सिद्धांत तो कहते ही कहते हैं कई बार बहुल प्रतिभा सिद्धांत भी कह देंगे तो आपको घबराना नहीं है यही बात है वहां बुद्धि को प्रतिभा कह के भी बोल सकते हैं कई बार क्वेश्चन में ट्रांसलेशन के चक्कर में है ना क्लियर अब नेक्स्ट सवाल लें अब इसमें आपको बेंडूरा की थ्योरी नीति का कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही कोई सवाल आ गया हमारे सामने तो हम पढ़ लेंगे उसके बारे में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है तो देखो सातवें का आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया है ना ही सवाल था ना ये सी इसका आंसर हो जाएगा केनेस्थेटिक केनेस्थेटिक को मैंने लिख दिया आपको कि इसको हम और क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एक तरीके से कोनेटिव भी और साइकोमोटर भी कहते हैं बॉडी बॉडी केनेस्थेटिक भी कहते हैं चलिए नेक्स्ट सवाल आठ नंबर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं थोड़ा आराम से चल रहे हैं स्लो चल रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं तो देखो हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्या पढ़ लिया असेसमेंट पढ़ लिया हमने फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के अंदर क्या चीजें आएंगी डिफरेंसेस हैं हमने क्या पढ़ लिया कॉग्नेटिव डोमेन पढ़ लिया ब्लूम के टेक्सोमी वाला वो पुराना भी उन्नीस वाला भी और दो वाला भी जो चेंज हुआ ठीक दो चीजें हमने वहां पढ़ ली और तीसरी चीज हमने ये पढ़ ली मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी तो तीन टॉपिक भी हमने कवर कर लिए ये सोच के देखना इस वीडियो को आप लोग ये सोच के मत देखना कि भाई इतने ही क्वेश्चन किए सर ने नहीं इतने ही क्वेश्चन नहीं किए क्वेश्चन ही करना होता तो अब तक हम लोग बीस कर चुके होते या पच्चीस कर चुके होते पर सिर्फ क्वेश्चन करना ही ऑब्जेक्टिव होता तब ना हम तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्लियर हुआ कई बच्चे होते हैं ना बाद में कमेंट करते हैं कि सर बहुत कम क्वेश्चन हुए तो क्वेश्चन कराना ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन सामने आ रहा है वो हमारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए ताकि इस पे और सवाल भी बने तो हम लोग कर सकें। आठ का आंसर भी आ रहा है आप लोगों का क्या है आठ का आंसर भाई आठ का बी आ रहा है सभी लोगों का क्या है आठ देख लेता हूं मैं ना अब सवाल है कि वट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिस अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल हो गया कि भाई व्यक्तिक भिन्नता का क्या मतलब है तो आपको पता ही है कि भी दो आधार पे व्यक्तिक भिन्नता होती है एक तो व्यक्तिगत आधार पे कि भाई मेरे अंदर जो कारक हैं और जो आपके अंदर कारक हैं बुद्धि का जैसे कारक हो गया सीखने की गति का कारक हो गया सीखने की क्षमताएं हो गई आपकी अभिरुचियां हो गई मेरी अभिरुचियां हो गई है ना आपकी पसंद नापसंद हो गई मेरी पसंद नापसंद हो गई आपका एटीट्यूड हो गया मेरा एटीट्यूड हो गया ये सब क्या है डिफरेंट है एक तो ये आधार हो गया एक हो गया कि भाई आपका एनवायरमेंट अलग है मेरा एनवायरमेंट भी अलग है नेचर नर्चर दोनों ही अलग अलग है, है, है। क्लियर हुआ तो इस आधार पर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं रिलीजन है कल्चर है ठीक एक तरीके से जेंडर है है ना ये सारी चीजें भी हमें लैंग्वेज है ये सब भी डिफरेंसेस करते हैं अब सवाल देखो डिफरेंसेस इन द फिजिक ऑफ टू इंडिविजुअल शरीर में सिर्फ अंतर है उससे नहीं होगा ये एनी टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेटस ये कुछ हद तक ब्रॉड स्टेटसद्रॉडनेशन को लेकर आ रहा है तो इसको सही माना जा सकता है है अभी ठीक सी एनी टू इंडिविजुअल आर इक्वल एंड सिमिलर बिल्कुल गलत ऐसा होता ही नहीं है है ना और नन ऑफ दी अब तो सबसे सही आंसर इसमें से सटीक क्या हो जाएगा बी हालांकि वो भी नैरो ही है लेकिन इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर बनेगा ठीक क्योंकि केवल और केवल यही नहीं बल्कि क्या इसके अलावा हजार चीजें हैं सामाजिक स्थितियां आर्थिक स्थितियां एक तरीके से भौगोलिक स्थितियां एक तरीके से सांस्कृतिक स्थितियां एक तरीके से हम देखें अगर उसमें तो हम कह सकते हैं लैंगिक जो स्टेटस हमारा है परिस्थिति है लैंगिकता है उसके आधार पर भी है ना भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर भी भिन्नताएं हैं वो भी शामिल होंगी और जो व्यक्तिक रूप से हमारी अभिरुचियां हैं हमारा मनोवृत्ति है हमारी सीखने की क्षमता तथा गति है बुद्धि लब्धांक है इमोशनल कोशेंट है यानी कि जिसको सामवेगिक लब्धि कहते हैं ये सब अलग अलग हैं, तो उस सब मिलके इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो गिवन ऑप्शंस के अंदर अगर हमको चुनना है तो हम लोग बी वाला चुनेंगे आप लोग ने भी वही चुना तो आप लोग का आंसर सबका क्या था सही था ठीक अब दो सवाल और करते हैं कम से कम लेते हैं अगला सवाल <coughs> ये हटा देता हूं मैं यहां से नौ no नंबर सवाल का आंसर करिए आप लोग सब लोग ठीक नौ नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है छोटा सा है ये मानसिक स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है है ना व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन तो देखिएगा बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मतलब टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड और दूसरा टू रिमूव मल एडजस्टमेंट मतलब जो कुसमायोजन है उसको दूर करना और बच्चे की मानसिक जो सुरक्षा है स्वास्थ्य की रक्षा है उसको सुनिश्चित करना और मानसिक स्वच्छता या मानसिक है हाइजीन जिसको कहते हैं मेंटल हाइजीन है ना कि मतलब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए तो एक तो ये हो गया कि भाई बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य है और दूसरा क्या है कि भाई जो बच्चे के अव्यवस्था है दिमाग में जो मल एडजस्टमेंट है समाज के साथ उसको भी दूर करना तो सही आंसर क्या बनेगा इसका नौ नंबर का सी आंसर आ रहा है आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है तो दोनों ही है है ना इसका ऑब्जेक्टिव जो है मेंटल हाइजीन पढ़ने का या समझने का क्या है कि दोनों चीजें हैं कि जो मल एडजस्टमेंट है मल एडजस्टमेंट का मतलब जहां पे बच्चा समाज के साथ कुसमायोजित है यानी कि जो समाज में एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, है बच्चे का वो नहीं कर पा रहा वो है ना जो एक्सपेक्टेड है बच्चे से वो वो कर नहीं पा रहा उसको कहते हैं मल एडजस्टमेंट तो इसका सही आंसर सी है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं हम लोग दस नंबर का कॉन्सेप्ट इतने सारे हमने करे हैं इसमें दस नंबर का सवाल एक और करते हैं देखिए आप लोग क्या है अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि <coughs> छुपी हुई वस्तुओं को खोजना इस बात का प्रमाण है कि शिशु ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों पर निपुणता आरंभ कर दी है यह तो आपको पता होगा जिन्होंने पढ़ा होगा जीन पियाजे का पहला स्टेज कौन सा वाला सेंसरी मोटर स्टेज है ना सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर पढ़ा है हमने इसको ठीक है रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एन एविडेंस दैट ऑफ फंक्शन कौन सी संज्ञानात्मक कार्य करना वो सीख चुका है क्या कहते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या बात है पढ़ के बता रहे हो ऐसे ही बता रहे हो सब सी जो लोग बता रहे हैं उनका गलत है ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सीख जाएगा बच्चा यार सेंसरी मोटर स्टेज की फीचर है ये जब बच्चा दो साल से कम उम्र का है ना तभी वो सीख जाता है ये सारी चीजें अठारह 19 20 महीनों में सीख जाता है ये चीज तो 18 19 20 महीनों में क्या उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है ये तो नहीं है ठीक है ना वो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी चीज छुप गई है उसकी मान लीजिए खिलौने आपने उसके छुपा दिए तो वो उसको ढूंढता हुआ दिखेगा ठीक ये कह रहा है तो वो ढूंढता हुआ दिख रहा है इसका मतलब क्या चीज समझ चुका है वो तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ चुका है दस का ए भी नहीं होगा दस का बी बी आंसर आंसर सही होगा जो भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं ना देवव्रत प्रीति सब लोग का सही है है ना धर्मेंद्र यादव तो बी आंसर सही है इसका ऑब्जेक्ट परमानेंस रे ठीक है आपका नितिका गर्ग आपका आपका भी ठीक है बेटा ठीक है और इधर पद्मिनी का भी गलत डी कौन सा दे रहे हो आप पद्मिनी ये इसका ना इसका आंसर होगा क्या इसका आंसर होगा आपका एक से चार पांच छह महीने का होता है, तो उसको लगता है कि जो चीज़ उसके सामने आंखों के उतनी ही दुनिया है कि वो पूरी दुनिया की समझ उतनी ही मानता है जितनी आंख के सामने है उसको, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसको उसी को वो सच मानता है उसी को वो एग्जिस्टिंग मानता है बाकी चीजों को वो एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड मानता है लेकिन जैसे ही वो सत्रह अठारह महीने तक होता है अब उसको चूंकि मेमोराइजेशन शुरू हो जाती है उसको कहने की इमेजेस दिमाग में बन जाती हैं चीजों की तो अब वो कोई भी चीज अगर उसकी खो जाती है मान लो या टूट जाती है भूल जाता है या छिप जाती है तो उसको वो ढूंढता हुआ दिखेगा तो ढूंढता हुआ दिखता है तो क्यों दिखता है ढूंढता हुआ क्योंकि उसके अंदर ना वस्तुओं के स्थायित्व की समझ आ चुकी है यानी अब वो समझ चुका है कि भाई चीजें जो हैं केवल उतनी ही नहीं है जितनी हमारे आंख के सामने है कोई चीज अगर आंख के सामने नहीं भी है लेकिन पहले थी तो इसका मतलब कि उसका अस्तित्व अभी भी है संसार में ठीक है तो वो ये समझ जाता है कि कोई भी चीज अगर हमारी आंख के सामने नहीं भी है तो वो संसार में कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व बना हुआ है अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है ये कहते हैं इसको तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा इसका आंसर बी वाला तो आज इतना ही करते हैं हम लोग है ना फिर अगले क्लास में कर लेंगे कल भी कर लेंगे रेगुलर कर लेंगे इधर नवोदय विद्यालय एन टी ए नेट वाला पेपर जब तक है तब तक हम लोग लगातार ही करेंगे ताकि दोनों बच्चों को फायदा हो इसमें और सी टेट का तो हम लोग शाम को करते ही हैं अच्छा एक और आप लोगों को सलाह यह है कि जो भी बच्चे देखो एनबीएस का पेपर देने जा रहे हैं पी जी टी वाला चाहे यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं और सी टेट वाले तो दे ही रहे हैं सी टेट का सात जुलाई को ये सब बच्चे जो सी डी पी वाली क्लासेस भी है ना सी टेट वाली उसको भी देख सकते हो आप उसमें भी पूरे क्वेश्चन मेथोडोलॉजी पैडागलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज के ही करते हैं तो वो सवाल भी कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आई बात समझ में हाँ डेली कर लेते हैं नितिका हम लोग इसको अब है ना रेगुलर ही कर लेंगे आपका दस से लेकर तेरह तक में आपको पता है पीजीटी का पेपर भी आ गया नोदय का तो उसको भी हमको टारगेट करना है उसके बाद हमारा नेट का पेपर है उसको भी टारगेट करना है कंचन एग्जाम डेट बेटा मैंने बहुत पहले ही वीडियो डाल दिया था आपने देखा नहीं ये 10 से 13 जून के बीच में सारे पेपर्स हैं वीडियोस डाली हुई है मैंने थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको सिलेबस पैटर्न का भी वीडियो डला हुआ है और डेट्स का भी डला हुआ है तो उसको आप देख लो हम्म ये हम लोग करा करेंगे रेनू एक बजे से ही है ना एक बजे से ही करा करेंगे तो एक बजे से लेके दो ढाई जितना समझ में आएगा उतना करेंगे और रेगुलर करेंगे तो आप लोग जुड़े रहिएगा इसमें सभी लोग और ये मैंने बताया ना कि बी एड एंट्रेंस में जैसे कई बच्चों का अभी डी का तो होगा ही देखो और डीयू वाले में भी तीस नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है जनरल अवेयरनेस के साथ तो थर्टी मार्क्स के लगभग का डीयू में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड पांच नंबर का आपके यूजीसी नेट में आना है जो आपका नवोदय विद्यालय का पेपर है उसमें बीस नंबर का आना है टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल एक का कॉमन पेपर आता है जिसमें बीस की टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी ठीक है और सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में तीस नंबर तो आना ही आना है प्लस पैटोगॉजी हर सब्जेक्ट में आनी है सीटेट के अंदर तो आपका बी एड एंट्रेंस सी टेट यूजीसी नेट नवदय विद्यालय पीजीटी केवीएस डीएसएसबी हर जगह ये क्लास आपकी काम आने वाली क्लास है तो आप लोग क्या करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो वीडियोस हैं वो भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से डले हुए हैं वीडियो सीडीपी के वो भी ये सब आप लोग अच्छे से करते रहिए निधि एनबीएस में जीके कहां से करें जितना देखो पढ़ाया गया बेटा आप उसको कमांड करो पहले जीके में क्योंकि जीके का ना कोई लिमिट नहीं है जीके क्या है अनलिमिटेड है जनरल नॉलेज के अंदर आपको हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इकोनॉमी करंट अफेयर साइंस सब पढ़ना होता है और मिसलिनियस जी भी होती है क्विज वगैरह वाली जो होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड पार्लियामेंट हो गई यूएनओ हो गया ये सारा तो आप उसमें ना बहुत डीप में जाते जाओगे तो आपका बाकी सिलेबस पीछे छूट जाएगा जो कि फिक्स्ड सिलेबस है जहां पे स्कोर ज्यादा किया जा सकता है तो फिलहाल जीएस में आप उस पर कमांड करो जो आपको पढ़ाया गया है क्लास के अंदर अच्छा उसके बाद अगर समय बचता है एक्स्ट्रा तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे अभी फिलहाल आप उसी पे कमांड करो और जो करंट अफेयर्स की इधर क्लास लगी है पिछले हफ्ते में उसको रिवाइज कर जाओ एक चार घंटे की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास थी उसको देख जाओ अच्छे से मैंने अपलोड करवाई भी थी आप लोगों की साइट पे कोर्स के अंदर आ, नेट पे तो नहीं उस उसपे करवाई थी आई थिंक एनवीएस वाली साइट पे तो वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है कंचन तो आप वहां से भी उठा के देख सकते हो करंट अफेयर्स वाली क्लास ठीक है ना हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे है एनवीएस के नाम से बिल्कुल एनबीएस के नाम से है तो और एक काम और कर दूंगा मैं कि सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड का ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा तो सी वाले में तो है ही है वो एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा तो उसमें आप लोग एक साथ सारे वीडियोस पा जाओगे क्वेश्चंस डिस्कशन वाले है ना ठीक है तो आज इसी पे खत्म करते हैं फिर मिलते हैं अगली क्लास में संस्कृत की क्लास बेटा अभी हो नहीं पाएगी दस जून के बाद हो पाएगी रेगुलर क्योंकि सर अभी अवेलेबल है नहीं तो टेंथ ऑफ जून के अराउंड हम शुरू कर देंगे उसमें लगातार ही मैं करवा दूंगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह है ना सारे डिस्कस करवा दूंगा या रिकॉर्डेड फॉर्म में करके अपलोड करवा दूंगा जैसे भी होगा आई प्रेफर टू डू दैट संस्कृत भी कराएंगे सारी है है ना चलिए तो कल मिलते हैं फिर से बजे ठीक है कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हिंदी के लिए भी है ना मैं देखता हूँ कल टाइम निकालता हूँ तो बारह से एक हिंदी की प्रैक्टिस कर लेंगे और ग्रामर वगैरह की और एक से अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और ये वाला कर लेंगे सी मतलब जो टीचिंग मैथोडोलॉजी वगैरह है ऐसे और शाम को साढ़े पांच बजे फिर से हमारी हिंदी सी टेट वाले बच्चों के साथ क्लास है तो वो रहेगी रहेगी ठीक है थैंक यू सो मच बी हैप्पी और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो सारे एग्जाम्स देखो जल्दी जल्दी आ रहे हैं अब अब जो है आप लोग एकदम से तैयार हो जाओ नया सीजन एक तरीके से मान के इसको कि भाई अब पेपर हमारे फटाफट होने हैं तो अब एकदम से ढिलाई मत बरतो है ना अच्छे से पढ़ाई करो और बाकी जहां जैसी चीजें हो सकती हैं बताते चलो हम करते चलेंगे आपके साथ मिलकर है ना थैंक यू थैंक यू सो मच